वर्क जॉब मोशन पे, अगर इंक्लाइन प्लेट के ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है और रेस्ट पे रखी है और हम इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाते चले जाएं, तो क्या होगा? वो मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी वर्क जॉब मोशन पे हो जाए। तो एंगल ऑफ रिपोज में हमने क्या बताया था? म्यू लिमिटिंग इज इक्वल टू टेन अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना? और इट इज द मिनिमम एंगल दैट इंक्लाइंड प्लेन। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेक विद हॉरिजेंटल सच दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट इज एट वर्ड ऑफ मोशन। ये हमने कल बता दिया था, म्यू लिमिटिंग एंगल ऑफ रिपोज। ओहो, परफेक्ट। जूता वाला ना, वायर वाला, ठीक है ना? वो मिनिमम एंगल म्यू इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो अब आप पे कहा जाए, एंगल ऑफ रिपोज किस बात पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रिपोज जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है अगर पूछा जाए, तो आप क्या जवाब दोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट पे। हाँ जिस चीज पे लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, यानी वो नेचर ऑफ द मटेरियल। सर। एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल इन कॉन्टेक्ट, है नहीं है? तो अगर हम आपसे कहें कि एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड अपॉन, तो अब इसका जवाब क्या है? आपने पढ़ा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? म्यू लिमिटिंग, कल हमने बताया था म्यू लिमिटिंग होता है। एंगुलर फ्रिक्शन के भी होता है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ यस भाई, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अब देखो,
एंगल ऑफ रिपोर्ट किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जिस पे म्यू डिपेंड करेगा पहला, और म्यू किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, यस सर, नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, और एक मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, मटेरियल ऑफ सरफेस, क्योंकि अभी मैंने बताया टेन अल्फा म्यू के बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिपोज है। अब इसमें इसके बाद आपका देखो, और ऊपर हमने एक पॉइंट बताया वो नोट रखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस होती है स्टैटिक से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बनाएं कंपेयर कंपेरेटिवली स्टडी करें तो काइनेटिक स्टैटिक और लिमिटिंग इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा लिमिटिंग, फिर उसके बाद स्टैटिक, फिर काइनेटिक आए, नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो हो गया लिमिटिंग, उसके बाद स्टैटिक, सॉरी एरो होता बात है, लिमिटिंग सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टैटिक, और सबसे कम कौन सा है, काइनेटिक। ये मतलब हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कौन सा आएगा, स्टैटिक, फिर काइनेटिक आएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। ये तो हमने बता दिया, अब आ जाते हैं आगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे, जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, थीटा एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है, ये तो मैंने दोबारा से बता दिया, कल भी बताया था मैंने, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज टेन अल्फा के बराबर होता है, इन दो बातों पर डिपेंड करता है। हाँ तो अब अगर हम इसको देखें, स्टडी करें, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, इसका मास एम है तो इसके ऊपर फोर्स लगा है एम ए, अब हम क्या करते हैं, एक तो इसका वेट लेते हैं mg नीचे की तरफ, दूसरा क्या करते थे भाई, इस पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन बनाएगी आ, और ये आ गया बॉडी का वेट, और ये एंगल कितने का बनता है, अब ये मत सोच लेना कि सर थीटा, ये थीटा तो कोई भी एंगल है, अगर ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज होगा तो ए कितना होगा, अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तो ए कितना होगा, बस सब लोटते हैं, अरे जाओ यही तो फिजिक्स है भाई, तुम सोचते नहीं हो, अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तो ए कितना होगा, सोच नहीं पा रहे इसका मतलब, अरे भाई जब एंगल ऑफ रिपोज होता है तो क्या बॉडी चलती है, वर्ज ऑफ मोशन पे होती है तो ए तो जीरो नहीं हो गया, एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लिया उसने, आप फिजिक्स को जोड़ ही नहीं पा रहे,
भाई हमने कहा अगर ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए तो इस बॉडी में एक्सीलरेशन कितने का होगा। तो भैया पहले तो आप ये सोचो ना कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले आप ये सोचो कि एंगल ऑफ रिपोज पे होता क्या है। जब बॉडी चलती है तो जब नहीं चलती तो जब नहीं चलती तो ये कितना होगा, फिर इतना सा आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। कुछ था इसमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। तो एंगल, तो अब अगर हमने ये कहा, मान लिया ये बॉडी ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है तो इसके ऊपर फोर्स हो गया, इसका मतलब जब ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है तो ये थीटा जो है, चार ऑप्शन दे दिए, इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज होगा, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होगा, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज होगा, बताओ। अगर ये बॉडी ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही है तो ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है ये थीटा, ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज होगा, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होगा, इज इक्वल टू होगा, बस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पे तो चलेगी नहीं, वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगी। अब ये इसका वेट आ गया mg नीचे की तरफ। अब हमने बताया था इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, जिधर एंगल बनता है भाई, एंगल ऑफ रिपोज ठीक अल्फा था तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो ये हो रहा था कि इसका वेट आ गया था mg, ये रिएक्शन आ गई थी, ये एंगल हमने बताया था जितना एंगल ये होता है उतना ही ये होगा। तो इसके कंपोनेंट हमने करे थे, दिस इज एंगल आर और ये हो गया था एम जी कॉज अल्फा, और इधर की तरफ एम जी कॉज अल्फा और इधर की तरफ एम जी साइन अल्फा, और जब ये बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। देखो टुक टुक कर रहे हैं बच्चे, कुछ भी ना पड़ रहा है, टुक टुक कर रहे हैं बैठे हुए, क्यों, जब ये बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, लग रहा होगा। एक बच्चा कह रहा है लग रहा होगा, पता नहीं क्या गलत कह रहा है या सही कह रहा है, नहीं लगेगा। तुम बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो, अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन आया कहां से हैं, अगर नहीं लगेगा तो फिजिक्स लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, सोचते ही नहीं हो, माइंड अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज जीरो, कितने चीखते हो पढ़ा लो, तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही क्या बनी, क्या जवाब दोगे तुम, तुम्हें रटने की आदत है, बस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन रट्टा मान लोगे वहां जाके उगल दो, बस इससे थोड़ी फिजिक्स आ जाएगी, मेरा क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पा रहे इतना पढ़ने के बाद भी। भाई पहला मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर ये एंगल, अब भी तुम रट रहे हो, अब भी तुमने रटा है कि अगर एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, समझा नहीं है, मैं बता दूं, अरे एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होने पर बॉडी मूव करती है, वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाती है तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया, मैं ये कह रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये वर्ज ऑफ मोशन पे है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो आधे से ज्यादा बच्चों ने कहा नहीं, जीरो नंबर आ गए उनके, इज एट द जीरो, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता तो फिर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात ही कहां से आ गई, तो आप हो रट्टू, आप कुछ नहीं हो सकते, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा यहां पर म्यू आर, बताइए हर जगह, कल से मैं समझा रहा हूं इसी बात को, तुम्हारा जवाब भी है, अरे भाई
पर जो मोशन पे है, तुमने बस एक चीज जो पड़ी हुई है कि बोले रुकी हुई है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इलेवेंथ का पढ़ना नहीं चाह रहे, वो आठवीं क्लास तक सीमित रहना चाह रहे हो। अरे रुकी हुई है तो क्या हुआ, वर्ज ऑफ मोशन पे तो है। जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है, एक बच्चा बोल रहा है बस पाइप पे, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है वो। अबू वो हाँ अबू जाती बिल्कुल सही होगा, लगेगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी है ना बच्चे की। एफ लिमिटिंग न्यू आर। अब आपसे अगर यही क्वेश्चन आ जाए चार ऑप्शन में कि बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे वर्ज ऑफ मोशन पे रखी है, पहला ऑप्शन कि क्या इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, दूसरा इस पे नहीं लगता इसका मतलब, या फिर तीसरा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, तो तुम सोचते रह जाओगे। और अब इस कंडीशन में क्या बताई थी हमने, इक्वेशन क्या बनवाई थी, R इज इक्वल टू एम जी कॉज अल्फा और म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा बताइए, ये कल भी बनवाई थी हमने। ये वाला इसको बैलेंस करेगा, तो रिपोज एंगल पर एक्सीलरेशन कितना होता है, रट लिया सही, रिपोज एंगल पर फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल ओ सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है नहीं लगता है, जब बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है तो उसके ऊपर क्या फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो एम आर किसके बराबर करा हमने बैलेंस करने के लिए, एम जी कॉज अल्फा, और म्यू आर किसके बराबर करा, अब दोनों को मैंने डिवाइड करा था, एम जी साइन अल्फा अपॉन एम जी कॉज अल्फा, इतना कल से ठीक ठीक के समझा दिया दो दो बार तब भी जवाब वही का वही, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन अल्फा, और ये म्यू कौन सा होता है लिमिटिंग वाला, ये आया था ये जो मैंने। अब यहां देखो, इफ बॉडी मूव डाउनवर्ड, अब देखो वर्ड हमने यूज किया है मूव, तो जब मूव कर रही है तो क्या ये एंगल ऑफ रिपोज होगा, नहीं ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिपोज से, मूव डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, ए एक्सीलरेशन से अगर बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड, अब जरा बनाओ इसका इधर हो गया एंगल एम जी कॉस थीटा और इधर की तरफ हो गया एम जी साइन थीटा, अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्यों भाई, फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो काइनेटिक होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन, हाँ या फिर डायनेमिक या काइनेटिक, बिल्कुल सही है। अब क्या बैलेंसिंग करोगे, आर किसके बराबर है एम जी कॉस थीटा और ये एम ए, एम ए जो आया ये एम ए कहां से आएगा, अब ये ए एक्सीलरेशन से जा रही थी नीचे तो इसके ऊपर फोर्स लगा एम ए, तो एम ए किसके बराबर होगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर, नीचे की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है म्यू आर, क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है इसका मतलब एम जी साइन थीटा ज्यादा होगा म्यू आर से। चार ऑप्शन दे दिए, ए एक्सीलेशन से बॉडी नीचे जा रही है, पहला एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू आर, दूसरा एम जी साइन थीटा इज लेस देन म्यू आर, तीसरा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर,
चौथा उसने नन ऑफ देम में कर दिया या ऑल पॉसिबल। तो अब आप जवाब दे सकते हो, बॉडी अगर नीचे जा रही है तो कौन सा बड़ा होगा? लॉजिक है सब चीजों में बेटा, सब चीजों में अंडरस्टैंडिंग है। एम जी साइन थीटा म्यू आर से बड़ा होगा तभी तो नीचे जाएगी। तो एम ए इसका मतलब क्या हुआ, एम ए किसके बराबर आएगा? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर। और म्यू आर की जगह एम जी कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू जी सा। अब आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जा रही है एक्सीलरेशन के साथ, इफ बॉडी मूव्स डाउनवर्ड ऑन इन, और कैसा इंक्लाइन प्लेन होगा, रफ या स्मूथ? रफ होगा, स्मूथ होगा, रफ होगा। स्मूथ होता ना, स्मूथ अगर होता तो म्यू जीरो हो जाता। ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, अगर रफ इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी नीचे जा रही है तो ए जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होगा। दूसरी बात, अगर स्मूथ पे जा रही है, फॉर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पुट म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो सीधे सीधे ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। डायरेक्ट याद होना चाहिए दोनों जो मैंने ब्रैकेट में लगाए हैं एकदम। वहां डेरिवेशन थोड़ी करोगे, ड्राइव करके थोड़ी देखोगे, तो नॉलेज के लिए मैंने फिर से रिवाइज बता दिया। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जा रही है ए एक्सीलरेशन से, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर नीचे जा रही है तो उसका एक्सीलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होगा। और अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो म्यू जीरो जी साइन थीटा होगा। मान लेते हैं मैं आपसे कह दूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, अब तो एक ही जगह क्या रख दोगे, जीरो। तो एक ही जगह जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, म्यू की वैल्यू वही टेन थीटा आ जाएगी। मान लिया बॉडी नीचे तो जा रही है, मूव भी कर रही है, बट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्मली के लिए एक्सीलरेशन जीरो रख दो। इफ बॉडी मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्मली देन पुट ए इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, यहां से बन जाएगी कंडीशन, कंडीशन आ गई। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन भी दिया था कि मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे आधा प्लेन तो इंक्लाइन प्लेन रफ है और आधा स्मूथ है, अपर हाफ पार्ट मान लिया स्मूथ है और लोअर हाफ पार्ट म्यू, इंक्लाइन प्लेन जो है जो लोअर हाफ पार्ट है वो रफ है, अपर हाफ लोअर हाफ, और इस पे अपर हाफ में जो टाइम है, अब देखो किसमें तेजी से किस पर कहां पर तेजी से नीचे आएगी, स्मूथ वाले में, ये तो स्मूथ है और ये रफ है, हाफ पार्ट। तो स्मूथ प्लेन पर स्मूथ वाले पार्ट पे ज्यादा तेजी से नीचे आएगी,
टाइम कम लगेगा, रफ पे ज्यादा लगेगा, तो उसने क्या कहा है, इफ टाइम टू मूव ऑन रफ हाफ पार्ट इज थ्राइस टू डेट ऑफ स्मूथ स्मूथ हाफ। ठीक है ना, मान लिया हमारा क्वेश्चन में क्या है कि अगर टाइम टू मूव ऑन रफ हाफ पार्ट, जो आधा हाफ पार्ट जो कि स्मूथ है, स्मूथ का मतलब म्यू जीरो और रफ का मतलब हुआ कि म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो आपने कहा रफ पे ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लगा रफ पे, टाइम टू मूव ऑन रफ हाफ पार्ट इज थ्राइस टू डेट ऑफ स्मूथ पार्ट, देन कैलकुलेट म्यू, ये म्यू बताना है। तो अब आप बताओ स्मूथ पार्ट पे ए क्या लोगे, यहां पर इसके इस वाले पार्ट के लिए ए क्या लोगे, जी साइन थीटा फॉर स्मूथ पार्ट ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा ले लोगे, और डिस्टेंस कैसे, टाइम इज इक्वल टू टी, मान लिया लेट कर लिया टाइम टी लगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। क्यों भाई, ये कौन से पार्ट के लिए लगा रहे हैं हम, ए टू बी फॉर स्मूथ पार्ट ए टू बी, ए से बी तक का जो पार्ट है, बात नहीं तो ये लग गया। अब एस, एस की जगह तो एस हो गया, यू की जगह जीरो, ठीक है ना, क्यों भाई, प्लस हाफ ए की जगह जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, अरे हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, ये आ गया, बताइए। अब अगर हम रफ के लिए लिखे लगे फॉर बी टू सी, रफ पार्ट एस क्या हो जाएगा, जीरो प्लस हाफ ए की जगह क्या रखेंगे यहां पर, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू, और टाइम कितना लग रहा है, तीन गुना लग रहा है, तो टी की जगह थ्री टी का स्क्वायर हो जाएगा। बी टू सी जो पार्ट है आपका, बी से सी वाला पार्ट, इसमें यू दोनों में जीरो है, स्टार्टिंग यहां भी जीरो से करी है, ऐसा नहीं है आपका सर यहां से यू कुछ और हो जाएगा जिस समय, है नहीं है यू, यही उसने कहा है जो यू यहां पे था वही यू यहां पे कैलकुलेट करके चले, तो ये आ गया यू की जगह जीरो हाफ जी, ए की जगह क्या आ जाएगा, रफ वाले रफ के लिए जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और टाइम लगा है थ्री टी का स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन से एस को कंपेयर कर दो, दोनों इक्वेशन से हमने एस को कंपेयर कर दिया, हेलो।
ठीक है भाई, देखो जरा कंपेयर करके क्या आया। म्यू की वैल्यू आ गई, आ जाएगा म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमने एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया स्टेप से। टू बाई थ्री टेन थीटा, टू बाई थ्री टेन थीटा, हाँ ठीक है, म्यू की वैल्यू टू बाई थ्री टेन थीटा आ गई, सही है बिल्कुल। और थीटा की वैल्यू अगर दिया है क्वेश्चन में तो रख देंगे, मान लेते हैं थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री रख देना, 30 डिग्री 60 डिग्री। अब वर्क डन, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क, इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ खींचने में कितना वर्क करे पड़ना पड़ेगा। वर्क डन टू पुल एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों। तो देखा जरा, तो वैसे मैं बता दूं ए की वैल्यू जी क्या आ जाएगी, जैसे वहां पे साइन थीटा माइनस थी यहां प्लस आ जाएगी, ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन, तो फोर्स कितना हो गया भाई एम ए, यानी एम ए की जगह जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो वर्क आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपने ये रख दिया डिस्प्लेसमेंट, कैसे आया वही, इसका वेट आ गया नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, रिएक्शन इसके ऊपर ये आ गई आर, ये एंगल थीटा, ये कितना बन गया भाई एम जी कॉस थीटा, और ये बन गया एम जी साइन थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, बॉडी किधर क्या कर रहा है, कहां जा रही है बॉडी, ऊपर की तरफ, इसका मतलब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे पुल करने वाला, जो पुल करेगा, तो जब ऊपर की तरफ पुल करने का फोर्स लगा रहे हो, बॉडी ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा, एमजी साइन थीटा की, एमजी साइन, हाँ एमजी साइन थीटा की तरफ, म्यू आर बिल्कुल सही है, और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक या डायनेमिक, क्योंकि चल रही है बॉडी, अभी भी एक आध बच्चा गड़बड़ कर बोल रहा है, अरे चल रही है बॉडी काइनेटिक ही होगा। अब ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि एक्सीलरेशन क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस की जगह प्लस म्यू कॉस थीटा, अब हो जाता है फिलहाल, यहां पर जो पुलिंग फोर्स है वो फोर्स कैसे आएगा, वो फोर्स इन दोनों के बराबर होना चाहिए, पुलिंग फोर्स जो है वो कम से कम इतना होना चाहिए, तभी तो बॉडी मूव करेगी, बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ चलते समय नीचे की तरफ एक तो एम जी साइन थीटा लगा और एक म्यू आर, मान लिया हमने कहा 10 तो ये है 10 न्यूटन का, 2 न्यूटन का ये रहा, तो कम से कम ये फोर्स 12 न्यूटन का तो हो,
इसका मतलब ऊपर की तरफ जो खींचने के लिए फोर्स लगा रहे हो वो कम से कम 10 + 2 = 12 न्यूटन का तो हो। मान लेते हैं आपने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स और नीचे की तरफ लग रहा है 10 + 2 = 12 का, तो बॉडी ऊपर जाएगी कहां? इसका मतलब कम से कम ये 12 न्यूटन का हो। इट मींस mg sin थीटा प्लस म्यू आर, और r की जगह mg cos थीटा, तो ये भैया आपका देखो m कॉमन g कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये मैंने बताया कैसे निकाला है, डायरेक्ट वैसे मैंने यहां लिख दिया, आपको याद ये होना चाहिए ऊपर के लिए। नीचे के लिए a माइनस म्यू cos a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, अगर नीचे जा रही है एक्सीलेशन से ऊपर जा रही है तो प्लस cos थीटा प्लस म्यू cos थीटा। वर्क आ गया पावर, पावर रिक्वायर्ड टू मूव अप, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी दी हुई है तो। और फोर्स तुमने कहां से निकाला? फोर्स तुमने ये निकाला था कि mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू वी, तो ये आ गया देखो पावर निकालने का तरीका। आ गया समझ में? अगर वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में कि कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब।